कि एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे। वो दिन नबी बड़े खुश थे, बहुत अच्छे मूड में थे, बड़ी बशाशती तबीयत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तशरीफ लाई तो आका ने फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, तबस्सुम फरमा कर फरमाया, है आयशा मांगो आज जो चाहो मांगो। तो नबी को इतनी बशाशत के साथ मुस्कुरा कर खुश होकर जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने ये कहते हुए सुना कि आयशा आज जो मांगना हो मांग लो, तो परेशान हो गई। आज तो आका बड़े मूड में है, बहुत खुश है, तो मांगू तो क्या मांगू। अब वो सोच में पड़ गए, ये मांगू तो ये छूटता है, ये मांगू तो ये छूटता है, ये मांगो तो ये छूट, कुछ ऐसा मांगो जिसमें सब आ जाए। अब इसी फिक्र में वो सोच में मुस्तगरक हो गई, नतीजा नहीं निकाल पाई। तो फिर उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि आपसे क्या मांगूं इसके लिए मैं मशवरा कर लूं? हाय हाय, कहा आयशा किससे मशवरा करोगी? कहा या रसूलल्लाह अपने वालिद गिरामी से। कहा अच्छा, मेरे यार गार से मशवरा करना चाहती हो? तो जाओ आयशा, नबी ने फरमाया मुस्कुरा के, जाओ अच्छा मशवरा कर लो, मेरे यार गार से ही तो मशवरा करना चाहती हो, तो आयशा जाओ मशवरा कर लो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी हुई अपने वालिद हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर के पास पहुँची। कहा अब्बा, आज नबी बहुत खुश हैं। उन्होंने खुश होकर कहा, आयशा जो मांगना हो मांग लो, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मांगूँ, आप ही कुछ मशवरा दिए कि क्या चीज़ मांग लूँ। सिद्दीक अकबर भी खुश हो गए, अच्छा नबी ने ऐसा फरमाया? कहा या रसूल, हाँ अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया। तो कहा, सुनो ए बेटी, अगर तुम मेरा मशवरा मानती हो तो मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ कि तुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही एक चीज़ मांग लो। कहा क्या मांगो? कहा आका से फरमा, कहो कि या रसूलुल्लाह, आप जब मेराज की शब गए थे, रब से मिले थे, तो जो ख़ास मुलाकात हुई थी उस ख़ास मुलाकात में कुछ ख़ास बातें भी हुई थी। उस ख़ास मुलाकात में कुछ ख़ास बातें भी हुई थी, तो उन ख़ास बातों में कोई एक बात ही बता दीजिए। उस राज वाली बात में जो सिर्फ आप जानते हैं और रब जानता है, उस ख़ास बात में से कोई बात बता दीजिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश होकर लौटी। नबी ने आता देखा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से को, तुम मुस्कुराए, आयशा पूछ आई तुम? हाँ या रसूलल्लाह, पूछ आई। क्या कहा मेरे यार गार ने, क्या मशवरा दिया? कहा या रसूलल्लाह, मुझे बस वो जो आप गए थे ख़ास मुलाकात हुई थी, उन ख़ास मुलाकात में जो ख़ास बात हुई थी उसमें से कोई बात बता दी। आका मुस्कुरा पड़े कि मेरे यार गार ने पूछा भी तो क्या पूछा, जानना चाहा भी तो क्या जानना चाहा। तो सरकार फरमाते हैं कि आयशा ये राज की बात है, लेकिन मैंने वादा कर लिया है तो मैं उन बातों में से एक बात बता देता हूँ कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया।